हेलो एवरीवन, ऑफ क्लास टेंथ, इट्स अ टेंथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.3। अब आप इसमें देखिए, ए बी सी और एफ ई जी या ई एफ जी दो ट्राइंगल दे रखे हैं। इसमें सी डी जो है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है और जी एच जो है वो एंगल जी का बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर। और हमसे प्रूफ करने को कह रखा है उसने दो तीन चीज़ें, और एक चीज़ ए बी सी और एफ ई जी जो है वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर भी हैं, ये प्रूव करना है। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा डी सी बी सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल एच जी ई के। तीसरा ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर दिखाना है ट्राइंगल एच जी एफ के। तो फर्स्ट वाले में देखिए, सी डी अपॉन जी एफ कहाँ पर है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी। तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल जो इस तरफ को है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमको क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर। तो इन दोनों में हम बात करते हैं, किस किस में, ए डी सी इन ट्राइंगल प्रूफ में लिखा होगा। अब एंगल सी और एंगल जी बराबर है, देखो ये पूरा एंगल सी, एंगल सी कौन हुआ, ये पूरा वाला, पूरा एंगल सी और ये पूरा एंगल जी। क्यों है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। इन दोनों को दो से डिवाइड कर देते हैं तो आधा एंगल कौन सा हुआ, ये वाला, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना इसका, एंगुलर बाइसेक्टर है, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा हाफ हाफ। तो हम इसके बदले लिख सकते हैं ए सी डी, ए सी डी क्या हुआ, एंगल ए सी बी का हाफ, पूरे एंगल सी का हाफ हुआ है इधर वाला। ऐसे ही यहाँ इसके बदले क्या रखेंगे, जी के हाफ के बदले एफ जी एच, तो ये हमने लिख दिया ए सी डी इज इक्वल टू एफ जी एच। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई होगा इसमें, एंगल ए कहाँ पर है, ये रहा, इज इक्वल टू एंगल एफ, रादर नॉट ई, एफ, एफ के बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों बड़े वाले ट्राइंगल तो सिमिलर हैं, ये आपको पता है। तो एंगल एंगल रूल से ए सी डी जो है ट्राइंगल ए सी डी वो सिमिलर हो जाएगा किसके, एफ जी एच के। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हुए, इधर वाला है ए सी डी और एफ जी एच, जब सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो कौन कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सी डी, ये रही सी डी अपॉन जी एच, ये रहा जी एच, इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन एफ जी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन एफ जी। अब एक ये प्रूव हो गया और ये दूसरा वाला भी प्रूव हो गया अपने आप ही, ए सी डी उसमें लिखा था हमने, डी सी ए लिखा था तीसरा वाला, थर्ड वाला नहीं, थर्ड वाला देखिए, डी सी ए इज एच जी एफ, बात बराबर है वो, ये हमने प्रूव क्या किया, डी सी ए एच जी एफ एक ही ट्राइंगल है वो। तो ये थर्ड वाला और फर्स्ट वाला एक साथ प्रूव हो गया। इसमें सेकेंड वाले के लिए देखिए, डी सी बी और एच जी ई में, ये रहा डी सी बी, डी सॉरी डी सी बी इसमें और एच जी ई इधर वाले में। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, पूरा एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल जी के, बिकॉज पूरा ट्राइंगल ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है, तो पूरा ट्राइंगल इसके इक्वल हुआ। इन दोनों में दो से डिवाइड कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, तो हाफ भी इक्वल होंगे। हाफ वाले के लिए अब जो आपको जरूरत है, आप इस तरफ वाले ट्राइंगल को कर रहे हो तो हाफ में आप इधर का ट्राइंगल का एंगल लिखेंगे, डी सी बी या बी सी डी इक्वल टू ई जी एच, ये बराबर हो जाएगा। ये देखिए बी सी डी इज इक्वल टू ई जी एच। और एंगल बी जो है ये वाला, ये एंगल किसके इक्वल होगा, अब एंगल ई के इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बिकॉज पूरा ट्राइंगल ये वाला पूरा ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। तो ये भी दोनों इक्वल होंगे बाय एंगल एंगल रूल, ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये सेकंड वाला ये प्रूव हो गया, फर्स्ट और थर्ड वाला एक ही साथ प्रूव हो गया था उसमें पहली बार में। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अब नेक्स्ट वीडियोज में आपको।